हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग है। ओके दोस्तों, एंड तक देखना है और ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। क्यों अमेजिंग है, क्यों इसे स्किप नहीं करना, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अनडाउटेडली ये एप्लीकेशन आपको पसंद आएगी। ओके दोस्तों, दोस्तों तो सबसे पहले मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके और हमारे अपने चैनल में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्योंकि ये वीडियो पसंद आने वाली है तो कॉमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी अपकमिंग वीडियो की और हमें मोटिवेशन मिला करेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप AI के थ्रू अपने फ़ोन को सिर्फ वॉइस तरीके से पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों ये तरीका क्यों है, पहले मैं ये भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये तरीका उन लोगों के लिए है जो हैंडीकैप होता है, यानी कि कहने का मतलब है जो हाथों से फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों वो अब इस तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, इनको बस आपको बता देता हूँ दोस्तों। ज़रूरी नहीं है ये हैंडीकैप लोगों के लिए, तो आप यूज़ ना करें, इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाना होगा। सबसे पहले वॉइस एक्सेस आपको सर्च करना होगा। देखिए दोस्तों, गूगल LLC लिखा हुआ है, गूगल का प्रोडक्ट है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ये प्रोडक्ट क्या है या फिर इसे यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, परमिशन के लिए आपको क्या करना होगा। परमिशन के लिए ये आपको खुद ही रिडायरेक्ट करा देगा एक्सेसिबिलिटी पे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आपको वॉइस एक्सेस, जैसे कि देख सकते हैं मैंने ऑन कर रखा है, ये ऑन करना है, दैट्स इट। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये आपकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा, एक्टिवेशन बटन। ओके दोस्तों, चाहे तो आप कमांड्स ऊपर से देख सकते हैं इनके, अगर आप देखना चाहते हैं तो। बस दोस्तों, आपका काम यहाँ पे ख़त्म, एक्टिवेशन बटन का काम स्टार्ट। जैसे ही दोस्तों आप ये करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेशन बटन आ चुका है, ब्लू कलर का ये बटन है जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। ओके दोस्तों, ये बटन यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों वॉइस कमांड कैसे चालू होगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है। ये दोस्तों एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल की जो असिस्टेंट है उसी बेसिस पे काम करता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। ओके दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको जो भी कमांड देनी है, जैसे कि आपके मोबाइल में यूट्यूब ओपन करना है या फिर कुछ भी ओपन करना है, फेसबुक ओपन करना है, तो आप कुछ भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को हटा देता हूँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले मैं इसे चालू कर देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये चालू हो गया। ओपन प्ले स्टोर, जैसे ही मैंने बोला ओपन प्ले स्टोर, देखिए ये चालू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। अब जो भी नंबर मैं यहाँ पे बोलता जाऊँगा वो नंबर सेटिंग चालू हो जाएंगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे नंबर है, अगर मैं एक नंबर बोलूँगा यहाँ पे तो वो उस चीज़ पर क्लिक हो जाएगा और वो चीज़ खुल जाएगी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 37 पर एप्स है, तो मैं बोलूँगा 37, तो ये 37 पे ही एप्स चालू हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करती है, जैसे कि मेरी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। ओके दोस्तों, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं कुछ डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए अभी इसे पैक कर देते हैं। ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, ट्वेंटी टू, इलेवन, नाइनटीन, थर्टीन, तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से एक क्लिक पे ये सारी चीज़ें काम
काम करने लग जाते हैं। ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाप है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। ओके दोस्तों, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, वॉइस एक्सेस की मदद से आप पूरे अपने मोबाइल को इंटेलिजेंट बना सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी लगेगी डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।